तो जैसा कि दोस्तों आप यहां पर देख सकते हो, मेरे पास ये ओप्पो का डिवाइस है और इसमें मैंने अपने प्ले स्टोर पर लॉक लगाया हुआ है, साथ ही मैंने यहां पर अपने व्हाट्सएप में लॉक लगाया हुआ है, फोटोज़ में ऐप लगाया हुआ है और इसी प्रकार अगर मैं चाहूं तो अपने इस ओप्पो के डिवाइस में किसी भी ऐप में लॉक लगा सकता हूँ। और आप भी इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपके पास ओप्पो का डिवाइस है तो आप उसमें इजीली किसी भी ऐप में लॉक लगा पाओगे। तो इसके लिए दोस्तों वीडियो पूरा ध्यान से देखना और आप भी इस वीडियो को देखने के बाद अपने डिवाइस के किसी भी ऐप में लॉक लगा सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए दोस्तों सिंपली आपको अपने डिवाइस में सेटिंग को ओपन करना है। जैसे ही आप सेटिंग को ओपन करोगे आपके सामने ये कुछ इस प्रकार से ओपन होकर आ जाएगी और उसके बाद आपको यहाँ पर सिक्योरिटी पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप उस सिक्योरिटी पर क्लिक करोगे उसके बाद आपके सामने यहाँ पर ऐप इंक्रिप्शन का ऑप्शन आ जाएगा और यहाँ से आप अपने ऐप में लॉक लगा सकते हो, मतलब ऐप्स को लॉक कर सकते हो। लेकिन उसके पहले आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है, सेट प्राइवेसी पासवर्ड टू यूज ऐप लॉक। बेसिकली अगर आपके पास कोई भी सभी डिवाइस है और आप उसमें सेटिंग्स के जरिए अपने ऐप में लॉक लगाना चाहते हो तो वो आप प्राइवेसी पासवर्ड की मदद से लगा पाते हो। तो इसके लिए दोस्तों सबसे पहले आपको अपने डिवाइस में प्राइवेसी पासवर्ड को ऑन करना होगा, तभी जाकर आप अपने ऐप में लॉक लगा पाओगे। तो प्राइवेसी पासवर्ड ऑन करने के लिए दोस्तों सिंपली आप अपनी सेटिंग में आ जाओगे और यहाँ पर सर्च कर सकते हो प्राइवेसी पासवर्ड। जैसे ही आप यहां पर प्राइवेसी पासवर्ड सर्च करोगे उसके बाद आपके सामने यहां पर ये आ जाएगा। लेकिन इसके अलावा आप यहां पर आप जिस भी सेटिंग से लॉक लगाते हो उस पर टैप कर दोगे। जैसा कि आप यहां पर देख सकते हो मेरे में यहां पर फिंगरप्रिंट, फेस एंड पासवर्ड का ऑप्शन है और इस पर अगर मैं टैप करता हूँ तो यहाँ पर मेरे सामने प्राइवेसी पासवर्ड का ऑप्शन आ जाएगा, जिस पर जैसे ही टैप करूँगा तो उसे यहाँ से ऑन करने का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो इसे ऑन करने के लिए दोस्तों सिंपली आप प्राइवेसी पासवर्ड पर टैप करोगे। जैसे ही आप इस पर टैप करोगे उसके बाद आपको यहां पर टर्न ऑन प्राइवेसी पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो अब यहां पर आप अपने फोन में प्राइवेसी पासवर्ड सेट कर सकते हो। तो यहाँ पर अगर आप न्यूमरिक सेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर न्यूमरिक सेट कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा अगर आप किसी और टाइप का पासवर्ड सेट करना चाहते हैं, जैसे मान लो पैटर्न या 4-digit पासवर्ड या यहाँ पर अल्फा न्यूमरिक पासवर्ड, तो आप जिस टाइप का यहाँ पर पासवर्ड सेट करना चाहते हैं उसे सेट करेंगे। मैं यहाँ पर न्यूमरिक सेट करना चाहता हूँ तो सिंपली मैं यहाँ पर कोई एग्जाम्पल के लिए सिंपल सा पासवर्ड डाल देता हूँ। तो यहाँ पर जैसे ही मैंने एक सिंपल सा बिल्कुल सरल पासवर्ड डाला तो मेरे सामने से इसकी तरफ से एक ये सजेशन देखने को मिल गया कि दिस इज अ कॉमनली यूज एंड इजी टू गेस पासवर्ड स्टिल यूज, मतलब ये जो आपने पासवर्ड डाला है ये बहुत ही सरल है और इसे ज़्यादातर लोग यूज करते हैं, इसलिए अगर आप चाहते हो तो इसे आप चेंज करके कोई थोड़ा सा स्ट्रांग पासवर्ड डालो, नहीं तो अगर आप इसे ही यूज करना चाहते हो तो सिंपली आप यूज पर टैप कर दो। तो मैं इसे ही यूज करना चाहता हूँ एग्जाम्पल के लिए, तो मैं यहाँ पर यूज कर देता हूँ। उसके बाद आपको फिर से वही पासवर्ड यहाँ पर डाल देना है। जैसे ही आप यहां पर डालोगे तो उसके बाद वहां पर आपका पासवर्ड सेट हो चुका है, लेकिन कंप्लीट अभी नहीं हुआ है क्योंकि यहां पर आपको रीसेट पासवर्ड करने के भी ऑप्शन दिए जाते हैं। तो इसका मतलब दोस्तों यहां पर यह होता है कि अगर आप अनफॉर्चुनेटली अपने इस पासवर्ड को कभी भूल जाते हो तो आप उसे यहां पर इस तरीके से रीसेट कर सकते हो। तो जब आप रीसेट करने जाओगे तो वहां पर आपसे यहां पर एक कोई क्वेश्चन सेलेक्ट कर लोगे, जैसे मैंने यहां पर फादर्स नेम सेलेक्ट कर लिया, तो यहां पर जैसे ही मैं अपने फादर्स का नेम डाल दूंगा तो यहाँ पर जब मैं रीसेट करने जाऊँगा तो उस टाइम मेरे से ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। रीसेट करने तब मैं तभी जाऊँगा जब मुझे इसका पासवर्ड नहीं याद रहेगा। तो यहाँ पर आपको अपने कोई क्वेश्चन सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद यहाँ पर अदर रिकवरी मेथड में कोई ईमेल आईडी डाल देनी है। तो ईमेल आईडी दोस्तों आपको यहाँ पर डाल देनी है, तो मैं यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी डाल देता हूँ। तो जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो मैंने अपनी ईमेल आईडी डाल दी, उसके बाद आपको एक्टिवेट पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको डन पर क्लिक कर देना है। तो अब आपके फ़ोन में प्राइवेसी पासवर्ड इनेबल हो जाएगा। लेकिन कुछ लोगों को क्या है दोस्तों, पता ही नहीं होगा कि ईमेल कहाँ से लाएँ। तो ईमेल दोस्तों आपके फ़ोन में ही लॉगिन होती है, उसके लिए सिंपली आप जीमेल में जाएंगे और यहाँ पर आप जैसे ही अपनी प्रोफाइल पर टैप करोगे तो यहाँ पर आपको आपकी जीमेल देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर आप देख @gmail और उसके आगे ये मेरी पूरी जीमेल लिखी हुई है। तो यहां से दोस्तों आप अपने भी फोन में जीमेल देख सकते हो। तो अब मुझे ऐप लॉक लगाना है तो सिंपली मैं उसी पर आ जाऊंगा। जैसा कि आप यहां पर देख सकते हो मेरे में यहां पर प्राइवेसी पासवर्ड ऑन हो चुका है, जिसे मैं यहां से डाल दूंगा तो मेरा ये प्राइवेसी पासवर्ड ऑन है और इसी के नीचे मुझे यहां पर ऐप लॉक करने का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। तो ऐप लॉक करने के लिए सिंपली मैं इस पर टैप करूंगा, इसके बाद मैं जिन भी ऐप्स में लॉक लगाना चाहता हूँ उन्हें यहाँ से सेलेक्ट कर लूँगा। तो यहाँ पर देख सकते हो मेरे में यहाँ पर 4 पहले से ही सेलेक्ट हो चुके हैं और उसके बाद सिंपली आप इनेबल इनक्रिप्शन पर टैप कर दोगे तो आपके फ़ोन में ऐप लॉक लग जाएंगे।
तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों आप अपने ओप्पो के डिवाइस में ऐप लॉक लगा सकते हो। लेकिन अगर आपको यहाँ पर प्राइवेसी के पासवर्ड में यहाँ नीचे ऐप लॉक का ऑप्शन नहीं देखने को मिल रहा है तो सिंपली आप यहाँ से सिक्योरिटी पर जाके यहाँ पर ऐप इंक्रिप्शन में आके यहाँ से ऐप लॉक लगा लोगे। इसके अलावा अगर आपको यहाँ पर भी नहीं देखने को मिलता है तो आप सिंपली आप अपने डिवाइस में यहाँ पर ऐप लॉक सर्च करके आप अपने यहाँ पर ऐप लॉक की सेटिंग पर पहुँच जाओगे। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों आप अपने डिवाइस के ऐप्स में लॉक लगा सकते हो। लेकिन उसके पहले अगर आपको यहाँ पर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसे ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। साथ ही आप ये भी बता देना कि आपका जो ये डिवाइस है वो कौन सा डिवाइस है, मतलब ओप्पो का कौन सा मॉडल है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आज का ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।